तब जाके पता चलेगा प्लेटिना वर्सेस 100 ml कितना चलती है। मतलब खराब नहीं दे रही भाई एक तरह से कहो तो, लेकिन फिर भी जैसे इतना मैंने मेंटेन करके रखा है कम से कम 70 तो देना चाहिए ना। हेलो भाई, मैं अंकित भाई आज फिर से बैठे हैं अपनी प्लेटिना 110 पे। अभी कल आपने देखा था भाई, मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया था, जो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कराने, जैसे इसमें फिल्टर मैंने साफ कराया, फिल्टर साफ नहीं भाई नया डलवाया, इसके बाद इसका चैन ढीला था वो भी मैंने टाइट कराया, गियर शिफ्टिंग नहीं हो रहा था वो भी मैंने सॉल्व कराया, अब बढ़िया हो गया भाई, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, बजाज वालों ने एकदम मस्त काम करके दिया है और गाड़ी देखो भाई कितनी चमक रही है। अभी कल वाले वीडियो में मैंने लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में भी बोला था, स्टार्टिंग नहीं बीच में बोला था कि अगर आपको मतलब ये सब साफ कराने के बाद फिर से माइलेज टेस्ट वाला वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो 3 भाई ने कमेंट करा था भाई, तो मैंने सोचा यार भाइयों का डिमांड है तो पूरा तो करना पड़ेगा ना, आज ही क्यों ना पूरा कर दिया जाए। मैं ये डब्बा लेके आ चुका हूँ, इस वाले में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई, मैं 250 ml पे चेक नहीं करूँगा, मैं मात्र 100 ml पे चेक करूँगा। 250 ml पे क्या होता है ना भाई, बड़ा चलाना पड़ता है यार, 15 km 14 km चलाना पड़ता है। इसमें अपन यहाँ तक पेट्रोल डालेंगे, रुको डाल भी देता हूँ। लो जी मैंने डाल भी दिया, 100 ml से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई 10 ml ज़्यादा है यार पेट्रोल, देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ये निशान आ रहा है और मैंने थोड़ा सा ऊपर ही डाल दिया, रुको कम करता हूँ। अब देखो भाई एकदम एक्यूरेट 100 ml पेट्रोल हो चुका है, अभी कनेक्शन भी लगे हाथ कर ही देते हैं। लो जी भाई कनेक्शन भी कर दिया, आप देख सकते हो, अभी मैंने ये वाला ऑन नहीं करा है भाई, चुप हो जाए यार, हद करते हैं भाई। ये पाइप में पेट्रोल होगा, अभी इस वाले में भी थोड़ा बहुत होगा और ये अंदर वाला जो है ना जिसमें मैंने खोंस रखा है उसमें भी पेट्रोल होगा। अभी पहले उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं, देन उसके बाद ये वाला ऑन करेंगे, तब जाके पता चलेगा प्लेटिना वर्सेस 100 ml कितना चलती है, मतलब 100 ml में। तो अभी पहले ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा चलाते हैं। फाइनली जी भाई पेट्रोल ख़त्म कर दिया, ज़्यादा नहीं चला यार कुछ मीटर चला, देखो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, बंद हो जा रहा है ना, पूरा एकदम पाइप का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, इसमें भी कोई पेट्रोल नहीं है और इसके अंदर वाले में भी कुछ पेट्रोल नहीं है। अभी पता है इसको ऑन करेंगे, देखो अभी ऑन नहीं कर रखा है ना मैंने, इसको ऑन करने के लिए हमें ऐसे किधर होता है यार, देखो ऐसे ऑन करना पड़ता है इधर, हाँ अब ऑन हो गया, देखो पाइप में पेट्रोल सनासन जाने लगा, भाई साहब क्या बात है। गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, हो जा भाई, हो गया भाई क्या बात है। अभी देखो इसका ट्रिप मीटर मैं इरेज करता हूँ, ट्रिप मीटर तो इरेज हो गया, इसके अलावा ऑडोमीटर मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, 13,287 km, और एक बार ट्रिप मीटर फिर से देख लो, 0 m है ना, 0 km है भाई। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, जैसे फिल्टर वगैरह साफ करने के बाद, चैन वगैरह टाइट कराने के बाद क्या रिस्पॉन्स होता है इस गाड़ी पे वो पता चल जाएगा भाई। तो वीडियो तो एंड तक देखना भाई, पक्का मजा जरूर आएगा। ले चलते हैं, जय माता दी, जय हो महामाया मैया। फिर से आप सभी को एक बार बताना चाहूँगा, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होगा कि हमें इतना स्पीड में चलाना है, इतना गियर रखना है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। हम नॉर्मली सिटी में भी यूज करेंगे, थोड़ा भगाएंगे भी, मतलब पिछली वाली वीडियोज में जैसे करा था ना वैसे ही करेंगे भाई। अभी मेरा स्पीड देख लो 50 का है, तो आप समझ ही सकते हो मैं खींचने वाला बंदा हूँ भाई, आराम से तो मेरे से चलाया नहीं जाएगा। मतलब किसी भाई को हरदम हाईवे पे तो चलना नहीं है, किसी भाई को हरदम सिटी में तो चलना नहीं है, उनको थोड़ा खींचना भी होगा, थोड़ा सिटी में भी चलना होगा, इसके अलावा थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह भी करना होगा, तो सब कंडीशन में टेस्ट करेंगे भाई, तभी तो मज़ा आएगा, समझ रहे हो ना आप। 3.3 km गाड़ी चली है और ये पेट्रोल अभी ख़त्म हो गया, बताओ यार, डिब्बा में थोड़ा सा भी पेट्रोल नहीं है, पाइप के पेट्रोल से गाड़ी चल रहा है। अभी देखो वीडियो में बने रहो क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है, क्या एक्यूरेट निकल के आता है, वो तो आपको एंड में ही पता चलेगा। 5.2 km अपनी गाड़ी चल चुकी है, मैंने इंडिकेटर जला ही रखा है यार, अब बंद कैसे करूँ, मैंने हाथ में इसको पकड़ रखा है ना। 5.5 km 5.5 km, ओ हो 5.9 हो जा, 9 हो जा, भाई 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 अब नहीं जावेगा, अब ख़त्म, अब नहीं जावेगा, अब एकदम ख़त्म भाई। ये देखो बीच रास्ते में भाई मेरे को इसने, अब नहीं जावेगा भाई, अब देख सकते हो गाड़ी को न्यूट्रल करता हूँ फिर से, स्टार्ट नहीं हो रहा, एकदम नहीं हो रहा ना, एकदम एकदम पूरा ख़त्म हो गया भाई। पाइप भी आप चेक कर सकते हो, थोड़ा सा भी नहीं है यार, अरे यार गिर गया, देखो थोड़ा सा भी पेट्रोल नहीं है,
और अपनी टोटल गाड़ी चली है 6 किलोमीटर, आप देख सकते हो। इसको भी जलाऊं, जल गया भाई, देखो 6 किलोमीटर चली है ना। बाकी ऑडोमीटर दिखलाना चाहूँगा, 13,293 किलोमीटर है ना अभी। थोड़ा भाई इसको साइड करते हैं, देन इसके बाद इसका मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो फाइनली भाई मेरे को जगह तो मिला नहीं, ऐसे ही रोड के किनारे ही खड़ा हो गया। अभी बारी है भाई कैलकुलेट करने की। 13,293 किलोमीटर मैंने आपको दिखलाया था ना, और यहाँ पे स्टार्टिंग में चला था भाई 13,287 किलोमीटर। तो अपन 13,287 माइनस 13,293, देखो 6 किलोमीटर आए हैं ना, मतलब हमने कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करा। बाकी ट्रिप मीटर भी देख लो, अभी 6 ही किलोमीटर होगा, थोड़ा सा मैंने ड्राइव करा ना, वही 6.5 किलोमीटर हो चुका है। यहाँ पे चीटी है क्या यार, बड़ा गंदा मेरे को काटी भाई। अभी अपन कैलकुलेट करते हैं, तो देखो 6 × 10, हमने 100 ml पेट्रोल डाला था ना, 60 का माइलेज मिला भाई। मैंने भरपूर खींचा पहले नंबर, तो मैंने कोई वो नहीं करा कि मेरे को माइलेज निकालना है, तो मैं धीरे चलाऊँ। और अब मान के चलो यार 60 का ही देगी भाई, सिटी वगैरह में यूज कर रहे हो ना, 60 का ही देगी। मैंने फ़िल्टर भी साफ़ करा लिया, आपने देखा ही कल, और साफ नहीं भाई, नया डलवाया ना फिल्टर। बाकी चैन वगैरह भी टाइट करा लिया, ऑलमोस्ट गाड़ी टंच है भाई। मोबिल पलटी कहाँ ज़्यादा चली है भाई, मोबिल पलटी करा के मेरे हिसाब से 1400 कुछ किलोमीटर चली है, मैंने कल कैलकुलेट करा था। तो ऐसा कुछ ही नहीं है भाई, सर्विस वगैरह मांग नहीं रही है। और मैंने आपको बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया, उसमें 250 ml पेट्रोल डाला था, वहाँ पे मेरे को पता है कितना माइलेज मिला, 58 का भी नहीं मिला भाई, 56 का ही मिला। यार ये चूटी भाई गंदा काट रही है भाई, मेरे को साइड होने दो। मेरे को 56 का ही मिला, इसी की वजह से मैंने सोचा कि फिर से 100 ml पे बनाते हैं। वो वाला अगर वीडियो डालूंगा ना, आप लोग कहोगे कि तूने गलत करा है, ऐसे करा है, वैसे करा है, इसीलिए सोचा कि चलो एक बार 100 ml पे टेस्ट करके देख लेते हैं। तो देख लेना भाई अपने अकॉर्डिंग, ये भी देखो ना 2 साल की गाड़ी हो गई है, 60 का दे रही है सिटी में, मतलब ऐसे रास्ते में मैंने चलाया, हरदम गाड़ी आता ही रहता है, मतलब ख़राब नहीं दे रही भाई एक तरह से कहो तो। लेकिन फिर भी जैसे इतना मैंने मेंटेन करके रखा है, कम से कम 70 तो देना चाहिए ना। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन सेटिस्फाइड हूँ यार, 60 का माइलेज ख़राब नहीं होता। वैसे वही फ़िल्टर जाम था तो 58 का मिला था, तो 2 एवरेज बढ़ा फिल्टर वगैरह साफ़ करने से। ये भी सीन है, आप अपनी गाड़ी का फ़िल्टर वगैरह और चैन वगैरह टाइट टाइम टू टाइम कराते रहो, यही तो मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी देख लेना, मतलब वही स्टार्टिंग में तो आपको प्लेटिना 110 बढ़िया माइलेज देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पुरानी हो जाती है, अभी तो 2 साल होने वाला है, 3 साल में देखते हैं कितना दे रही है भाई, मतलब कहीं 40 का तो नहीं देने लगेगी ना, ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। खैर अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ भाई, 60 के माइलेज से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बहुत भाई कहते हैं कि मैं 60-70 के स्पीड में 80 का माइलेज निकाल लेता हूँ, 70 का माइलेज निकाल लेता हूँ, मेरे से तो यकीन नहीं होगा भाई। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप जहाँ बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, वहाँ पे मैं टेस्ट करूँगा ना आपकी गाड़ी का, तब मैं मानूंगा भाई, समझ रहे हो ना। नहीं तो मेरी प्लेटिना भाई 60 का ही दे रही है, और इस वाले वीडियो में मैंने कोई फ्रॉड वगैरह तो करा नहीं है भाई। चलो देख लेना भाई, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।